दोस्तों इस वीडियो में हम सिबिल स्कोर को एनालाइज करेंगे, यानी बेसिकली ये जो 300 से लेके 900 की रेंज में जो ये स्कोर है, बेसिकली इस सिबिल स्कोर को हम एनालाइज करेंगे। इस सिबिल स्कोर की क्या हिस्ट्री है, क्या आरबीआई का इसमें रोल रहा, इन सब के अलावा काफ़ी बार हमने ये देखा है कि कोई एक कस्टमर है जिसने बैंक से लोन लिया, अब इन केस मान लीजिए किसी भी मजबूरी की वजह से अगर ये कस्टमर बैंक का पैसा नहीं दे पा रहा यानी डिफॉल्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में बैंक एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लो। तो जब भी लोन की सेटलमेंट होती है, उस केस में भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, लेकिन जब हम लोन की सेटलमेंट करते हैं उस सिबिल स्कोर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुधारा जा सकता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम, अगर मान लो किसी भी लोन की सेटलमेंट हुई है, उस केस में कैसे हम अपना सिबिल स्कोर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से हमें लोन्स लेने चाहिए, क्योंकि जनरली जब आपका सिबिल स्कोर खराब होता है तो उस केस में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देता, तो ऐसे केस में हमें कौन से लोन्स लेने चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करने चाहिए, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन सब के अलावा सबसे जरूरी चीज, अगर किसी का सिबिल स्कोर ठीक है तो उस केस में उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका सिबिल स्कोर कभी भी खराब ना हो, तो इस वीडियो में सिबिल स्कोर से जुड़ी हुई एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें, सिबिल स्कोर जरूरी क्यों है। देखो बेसिकली ये जो एक नंबर बनाया गया है, ये सिबिल स्कोर, ये क्यों जरूरी है बैंकों के लिए, क्यों जरूरी है। देखो जनरली जब भी कोई एक कस्टमर बैंक में जाएगा, जब भी मान लो कोई भी कस्टमर बैंक में और ये बोलते हैं कि मुझे लोन चाहिए, अब बैंक कैसे चेक करेगा कि मैं इस कस्टमर को लोन दूं या ना दूं। तो ऐसे केस में बैंक क्या, मान लो मैं आपके पास आया कि मुझे आप मुझे कुछ पैसा दे दो, तो आप मेरे अंदर क्या चीज़ देखोगे। पहली चीज़ तो ये देखोगे कि क्या भविष्य में, ठीक है, मैं अगर आज इस व्यक्ति को पैसा दे भी देता हूँ, यानी आप मुझे पैसा दे भी दो, तो आप मेरे अंदर यही चीज़ चेक करोगे कि फ्यूचर में मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ आप ये भी चेक करोगे कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, यानी मेरी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको आके कह रहा हूँ कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो और मेरी जो सैलरी है वो है 5,000 रुपए पर मंथ, तो ऐसे केस में तो सिंपली आप मुझे डिनाई कर दोगे कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में बैंक भी कस्टमर के अंदर यही दो चीज़ें चेक करते हैं। पहली चीज़ कि कस्टमर की विलिंगनेस है पैसा देने की, यानी फ्यूचर में आज मैं कस्टमर को पैसा दे भी दूं तो बैंक यही सोचते हैं कि उसकी विलिंगनेस है, भविष्य में मुझे मेरा पैसा वापस लौटाएगा। और दूसरी चीज़ कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। तो ऐसे केस में ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये बैंक के पास खुद के पास तो होंगे नहीं, क्योंकि बैंक तो आपको जानता नहीं, तो बैंक पहुंच जाता है सिबिल के पास। सिबिल के पास पहुंचकर बैंक ये बोलता है कि ये कस्टमर है, ये इसका पैन कार्ड है, आप इसके पैन कार्ड से चेक करो इसकी पूरी की पूरी क्रेडिट हिस्ट्री कि पास्ट में इसने कोई लोन लिया था या नहीं लिया था, अगर लिया था तो कितनी ईएमआई इसने डिफॉल्ट की, अगर डिफॉल्ट नहीं की तो कितनी ईएमआई ऐसी हैं जो इसने टाइम पर नहीं भरी। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई ईएमआई जो हमें 1 जनवरी को भरनी होती है, लेकिन हम ईएमआई भरते हैं 1 फरवरी को या 1 मार्च को, तो जब आप ईएमआई लेट भरते हो तो वो भी आपका सिबिल स्कोर खराब करती है। एक एक पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये जो पूरी की पूरी जन्म कुंडली है, यानी किसी भी कस्टमर की क्या क्रेडिट वर्दीनेस है, ये पूरी रिपोर्ट मिलती है सिबिल के पास। अब ये सिबिल के पास पूरी रिपोर्ट कैसे मिलती है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा हिस्ट्री के अंदर। ये कहानी शुरू होती है साल 1994 में, जब पहली बार आरबीआई ने बैंकों को यह कहा कि कोई भी आपका ऐसा कस्टमर अगर वो 1 करोड़ रुपए से बड़े अमाउंट का लोन डिफॉल्ट करता है तो उसकी रिपोर्ट यानी कंप्लीट डिटेल आप भेजोगे ट्रांस यूनियन सिविल के पास। ऐसा आरबीआई ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि आरबीआई को ऐसा लगता था साल 1994 में कि अगर कोई एक ऐसा बड़ा कस्टमर जो बड़ा लोन डिफॉल्ट कर दे, ताकि भविष्य में वो कोई नया बड़ा लोन डिफॉल्ट ना करे, उससे बचने के लिए आरबीआई ने ये बोला कि 1 करोड़ से बड़ी अमाउंट का अगर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है तो उसकी ही सिर्फ रिपोर्ट आपको ट्रांस यूनियन सिविल को भेजनी। फिर साल 1999 आते आते आरबीआई ने ये कहा कि जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक रिकवर भी करता है, बैंक के एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि ये लोन जानबूझ के डिफॉल्ट किया गया है, या फिर हो सकता है कई बार बिजनेस फेल हो जाता है किसी मजबूरी की वजह से डिफॉल्ट हुए। तो अगर आरबीआई ने ये कहा कि अगर जो लोन है अगर वो विलफुल डिफॉल्ट है यानी जानबूझ के डिफॉल्ट किया गया, तो अगर उस लोन की अमाउंट 25 लाख रुपए से ज़्यादा है तो बैंकों को ये रिपोर्ट करना होगा ट्रांस यूनियन सिबिल के पास। और अगर मान लो ठीक है किसी मजबूरी की जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई नहीं चली, तो मान लीजिए उस केस में अगर 1 करोड़ से बड़ी अमाउंट है वही सेम प्रोसेस, तो फिर आपको ट्रांस यूनियन सिविल को रिपोर्ट करना होगा। फिर साल 2002 आते आते आरबीआई ने यह कहा
चाहे लोन की अमाउंट 100 रुपये ही क्यों ना हो। अगर कोई भी ऐसा कस्टमर जो बैंक का लोन डिफॉल्ट कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आपको करनी है ट्रांस यूनियन सिबिल के पास। अब ये जो ट्रांस यूनियन सिबिल है, बेसिकली मैं भी आपको समझाता हूँ, ये जो सिबिल है ये एक तरह से एस्टेब्लिश, मतलब आप नहीं कह सकते बट स्टार्ट हो गया था 2000 के अंदर, यानी ईयर 2000 के अंदर, लेकिन ये जो ढंग से इनकॉर्पोरेट हुआ था, यानी ढंग से इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी साल 2004 के अंदर। अब इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ट्रांस यूनियन, ये तीन कंपनीज हैं जिसका 40% स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास था, 40% स्टेक HDFC बैंक के पास था और 10% स्टेक ट्रांस यूनियन कंपनी के पास था। यानी इन्होंने मिलके इस सिबिल की फॉर्मेशन की थी, यानी इनका मिलके प्लान था कि हम सिबिल को बनाएंगे। इन तीनों की हेल्प से ही सिबिल का फॉर्मेशन हुआ और ये जो ट्रांस यूनियन है, यानी ये जो कंपनी है ट्रांस यूनियन जिसके 10% शेयर होल्डिंग थी, इसके नाम की वजह से ही हम काफ़ी बार ये बोल देते हैं कि बैंक जो सिबिल रिपोर्ट है, हम सिबिल सिबिल बोलते रहते हैं, इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये जो सिबिल रिपोर्ट है ये बैंक ट्रांस यूनियन सिबिल के पास भेजेंगे। तो ये थी इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री। अब सिबिल स्कोर को एक बार समझे तो हर बैंक ने एक स्कोर बना दिया 300 से लेके 900 के बीच में। अब जिसका जितना ज्यादा सिबिल स्कोर होगा, यानी जिस कस्टमर का जितना ज्यादा सिबिल स्कोर होगा, उसे बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा और ज्यादा अमाउंट का भी लोन मिल जाएगा और बहुत जल्दी लोन मिल जाएगा। तो ऐसे केस में एक स्कोर बना दिया जहां पर अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से लेके 550 के बीच में, वही बात पहले मैं आपको ये बुकिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, फिर बैंक में क्या चलता है वो भी समझाऊंगा, यानी प्रैक्टिकली बीइंग अ बैंकर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे खुद 5 साल का एक्सपीरियंस है बैंक में। तो यहां पे पहले हम बुकिश लैंग्वेज समझते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से लेके 550 के बीच में, तो इस केस में बैंक ये बोलते हैं जनरली कि आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल बेकार है, गलती से भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से लेके 700 के बीच में, तो जनरली फेयर सिबिल स्कोर है, इस केस में भी आप भूल जाओ, आपको बैंक लोन नहीं देगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से लेके 900 के बीच में, तो इसे बैंक बोलता है कि एक एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है। अब वही चीज़, ये तो हो गई एक बुकिश लैंग्वेज, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी अभी यहाँ पर हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर किसी का सिबिल स्कोर 700 से 900 के बीच में है तो बैंक क्या बोलता है, एक्सीलेंट सिबिल स्कोर। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं होता। देखो एक्चुअल में क्या होता है, बैंक ये बोलता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से 750 के बीच में है तो ठीक है, देंगे लोन, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करेंगे क्योंकि अभी भी हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 के बीच में है तो बैंक आपके पीछे पीछे भागेंगे कि सर लोन ले लो, लोन देंगे लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना सस्ता भी नहीं लगाएंगे कि कम से कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दें। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस है तो इसे बैंक बोलता है एक्सीलेंट सिबिल स्कोर, और ऐसे कस्टमर्स हर बैंक को चाहिए, हर बैंक को 800 प्लस सिबिल स्कोर वाले कस्टमर्स चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगोशिएबल है सर, आप बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, हम आपको कम से कम घर का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के देंगे। यानी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI जितने भी सरकारी बैंक है ना, इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, इन्हें कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कोई भी लोन लेने पे। तो बैंक ये बोलता है जितना हम अपने एम्प्लॉयज को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं ना सर, उतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि बैंक को ट्रस्ट है कि देखो 800 प्लस सिविल स्कोर ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए पास्ट में 2-4 लोन भी लिए होने चाहिए, लोन टाइम पर भी देने चाहिए, तो उसके बाद जाके 800 प्लस सिविल स्कोर बनता है। और 800 प्लस जिनका सिविल स्कोर है ना, उन लोगों को पता है कि सिविल स्कोर की वैल्यू क्या है, तो बैंक उनके पीछे भागते हैं कि सर आप बस हमसे लोन ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देख लेंगे। तो 800 प्लस सिविल स्कोर बनाना काफी मुश्किल होता है। अब उसके बाद आगे समझते हैं, उसके बाद तीन कैटेगरी में बैंक लोन को रखता है। देखो जैसे मान लो किसी भी एक कस्टमर ने बैंक से लोन लिया, ठीक है लोन ले लिया, अब मान लो इसकी जो भी EMI थी पहले महीने, जो मान लो इन्होंने 1 जनवरी को EMI भरनी थी लेकिन 1 जनवरी को EMI नहीं भरी, फिर 1 फरवरी को भी नहीं भरी, 1 मार्च को भी नहीं भरी, तो बैंक कैटेगरी बनाता है SMA 0, SMA 1, SMA 2, यानी स्पेशल मेंशनड अकाउंट 0 कैटेगरी, इसमें वो कस्टमर्स रखते हैं जो 1 EMI डिफॉल्ट करते हैं, फिर SMA 1 जो 2 EMI डिफॉल्ट कर चुके होते हैं, फिर स्पेशल मेंशनड अकाउंट 2 जो 3 EMI डिफॉल्ट कर चुके होते हैं। अब ऐसे केस में आपको पता ही है, जब भी कोई लोन 90 डेज तक नहीं भरा गया, कोई भी EMI 90 डे तक अगर आपने नहीं भरी बीइंग अ कस्टमर, तो ये डिक्लेयर हो जाता है NPA, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये तीनों SMA स्पेशल मेंशनड अकाउंट की एक लिस्ट बना के बैंक भेज देगा सिबिल के पास। जैसे ही ये स्पेशल मेंशनड अकाउंट 2 कंप्लीट होगा, आपकी रिपोर्ट सिबिल के पास जाएगी और आपका धड़ल्ले से सिबिल स्कोर डाउन चला जाएगा। हालांकि आपका लोन अभी भी चल रहा है लेकिन फिर भी आपका सिबिल स्कोर इंपैक्ट हो चुका है। तो ये कभी भी मत सोचना कि मेरा तो ऑलरेडी, मान लो किसी ने लेट्स से कि 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की और कार लोन चल रहा है 18 लाख रुपए का,
ऐसे केस में 2-4, 3-4 EMIs वो लगातार क्या करता है, पोस्टपोन करता चला जाता है। ठीक है भर देंगे, भर तो रहे हैं ना, लोन तो चल रहा है ना, तो ऐसे केस में उसको ये नहीं पता कि मेरा सिविल स्कोर खराब हो रहा है। उसको लगता है कि लोन तो चल ही रहा है, लोन तो मेरे नाम निकला ही हुआ है, तो मेरा कहाँ से सिविल स्कोर खराब होगा, भर देंगे। उसकी इंटेंशन खराब नहीं है, उसके मन में है कि मैं 18 लाख का पूरा लोन भरूंगा, लेकिन नॉलेज नहीं है। ऐसे में वो सोचता है अच्छा 1 जनवरी को EMI भरनी थी ना, 1 मार्च को भर देंगे, 1 अप्रैल को भर देंगे, क्या हुआ, बैंक का पैसा ही है ना, कोई बात नहीं, पेनल्टी लगाएगा, पेनल्टी के साथ भर देंगे, अभी थोड़ा बिजनेस टाइट चल रहा है। ऐसे केस में उन कस्टमर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर 1 जनवरी को EMI की डेट है तो 1 दिन पहले ही पैसा भर दो, क्योंकि जितनी भी EMI आपकी बाउंस होंगे उतना ही सिविल स्कोर भी धीरे धीरे करके आपका खराब होता चला जाएगा। ठीक है ये लोन चल रहा है, लोन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सिविल स्कोर 800 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएगा, सिविल स्कोर वही 700 से 750 की रेंज में आ जाएगा। पूरा लोन तो भरना ही है, तब एकदम मैं ये नहीं कहता कि पूरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, लेकिन 800 प्लस के पार नहीं जाएगा, हमेशा वही 700-750। हो सकता है एक बैंक अलाउ कर दे, अगली बार जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपसे फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो सिविल स्कोर परफेक्ट चाहिए तो EMI टाइम पर भरनी पड़ेंगे। इसके बाद एक चीज डिस्कस करते हैं, काफी लोगों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर मान लो कि कोई ऐसा कस्टमर है जिसने पास्ट में कभी भी जिंदगी में लोन नहीं लिया हो, मान लो कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, नई नई जॉब लगा है, मान लो कि अब वो नया जॉब लग गया, उसकी इनकम आनी शुरू हो गई है, ऐसे में सैलरी स्लिप वो बैंक को दिखाएगा, लेकिन पास्ट में कभी भी लोन नहीं लिया। मान लो घर में एक हस्बैंड बहुत अच्छी इनकम के साथ पैसा कमाता है, हाउसवाइफ है जिसने लाइफ में पहले कभी भी लोन नहीं लिया, तो ऐसे केस में जिन लोगों ने जिंदगी में पहली बार लोन लेना है उनका सिविल स्कोर क्या होता है? देखो उनका सिविल स्कोर बैंक बोलते हैं -1। अब ये मत सोच लेना कि इनका वेरी 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 पुअर सिविल स्कोर है, -1 बस एक नंबर है ये दिखाने के लिए कि ये लोग पहली बार लोन ले रहे हैं। अब ऐसे केस में बैंक इनको लोन देगा, पर क्या चीज़ चेक करेगा, अगर कोई सैलरीड है तो उसकी सैलरी स्लिप चेक करेगा, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसकी ITR चेक करेगा कि ये कितनी ITR भरता है। ऐसे मान लो अगर कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, वो ITR भी फाइल करती है, तो उसके हस्बैंड की भी इनकम चेक कर ली जाएगी कि बेसिकली पूरी फैमिली की इनकम कितनी बन रही है, तो इनकम के बिहाफ पे लोन दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन बिल्कुल लोएस्ट नहीं लगाया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगाया जाएगा, यानी आप मान के चलो अगर इनकम अच्छी है तो इन्हें ये जो 700 से 750 की कैटेगरी है ना इसके बीच में रख दिया जाता है, इनको जो 700 से 750 की जो कैटेगरी है इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलेगा जो पहली बार लाइफ में लोन ले रहे हैं। इसके बाद एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं सिविल रिपोर्ट में, यानी जनरली जो भी आपका बैंक है वो जो सिविल रिपोर्ट आपकी भेजता है उसके अंदर क्या क्या चीजें रखते हैं। देखो वैसे RBI ने बैंकों को यह कहा हुआ है कि जो भी आपके कस्टमर है, यानी जिस भी कस्टमर ने आपसे लोन लिया है, उन सारे कस्टमर्स की सिविल रिपोर्ट आप हर 30 डेज में या फिर हर 45 डेज में ट्रांस यूनियन सिविल के पास भेजोगे, चाहे वो कस्टमर टाइम पर EMI भर रहा हो चाहे वो कस्टमर टाइम पर EMI ना भर रहा हो, हर 30 से लेके 45 डेज के इंटरवल के अंदर बैंकों को हर कस्टमर की रिपोर्ट ट्रांस यूनियन सिविल के पास भेजनी पड़ती है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि मान लो मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैंने एक कार लोन ले रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, मान लो कि लेट से 10 लाख रुपए की गाड़ी, ठीक है, अब ठीक है मैं यहाँ पर टाइमली पैसा भर रहा हूँ तो चलो अच्छी बात है, मेरी एक अच्छी सिविल रिपोर्ट चली जाएगी ट्रांस यूनियन सिविल के पास। अब ऐसा इसलिए किया गया कि मान लो कल को मैं बैंक ऑफ बड़ौदा जाता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे एक होम लोन लेना है, तो ऐसे केस में क्योंकि मेरा सिविल स्कोर परफेक्ट है तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अलाउ कर देगा। अगर मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा एक कार लोन चल रहा था 10 लाख का, लेकिन मैं उसकी किस्तें टाइम पर भर ही नहीं रहा, बैंक मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि गाड़ी सरेंडर कर लेंगे, पैसा आप भर नहीं रहे हो, अगर ये रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइमली सिविल के पास नहीं भेजता तो ऐसे केस में तो मेरा लोन चल ही रहा है, ऑलरेडी रनिंग लोन है, मैं कल को बैंक ऑफ बड़ौदा चला जाऊंगा, मैं कहूंगा कि एक और गाड़ी खरीदनी है, नया लोन दे दो। अब बैंक ऑफ बड़ौदा मेरी पूरी की पूरी क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर सके, इसीलिए हर 30 से लेके 45 डेज के इंटरवल में हर बैंकों को RBI ने यह कहा कि आपको अपनी रिपोर्ट ट्रांस यूनियन सिविल के पास भेजनी पड़ेगी। अब यहां पर हम एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसका सिविल स्कोर एकदम परफेक्ट चल रहा है तो इस कस्टमर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इसका सिविल स्कोर कभी भी खराब ना हो। तो सबसे पहले जो भी आप क्रेडिट कार्ड्स बैंक से लेते हो
तो क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, मान लो उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनी 1,00,000 रुपए। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लिमिट आपने एग्जॉस्ट कर दिया, आपने उसमें से 90,000-95,000 रुपए खर्च कर रखे। ऐसे में अगर मान लो आप 90-95% लिमिट यूज कर लेते हो क्रेडिट कार्ड की रेगुलरली, तो इससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन जाता है। जनरली आपको 1,00,000 की लिमिट है तो 30,000-40,000 रुपए ही खर्च करने हैं। अगर मान लो लिमिट जितनी भी है, जैसे कि मान लो जितनी भी लिमिट है, तो उसका 30-40% ही आपको यूज करना है। अब ऐसे में काफी लोग ये कहेंगे जब 1,00,000 की लिमिट है तो उसमें से सिर्फ 30% क्यों यूज़ करें जब हम यूज़ पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके खर्चे ज़्यादा है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, देखो कंसेप्ट 30-40% का ही लगाना है। बैंक को ये बोलो कि मेरी लिमिट बढ़ा के 3,00,000 कर दो। जब 3,00,000 की लिमिट हो जाएगी तो उसका 30% वैसे भी 90,000 हो जाएगा। तो ऐसे में आप अपनी क्रेडिट की लिमिट बढ़वा लो। आपको तो पता ही है कि मेरे खर्चे इतने हैं, तो क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट बढ़वा लो, तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। दूसरा ये है कि जब भी आप लोन लेते हो ना, तो दो प्रकार के लोन होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जैसे आपका कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, ये सिक्योर्ड है। जैसे मान लो होम लोन की किस्तें देना बंद करोगे तो बैंक आपका घर खाली करवा लेगा। अगर कार लोन की किस्तें नहीं भरेगा कोई कस्टमर, तो उस कस्टमर से बैंक उसकी गाड़ी ले जाएगा। गोल्ड लोन की किस्तें नहीं भरेगा तो बैंक क्या करता है, गोल्ड ऑक्शन करवा देता है और अपना पैसा रिकवर कर लेता है। दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल लोन, आपके क्रेडिट कार्ड्स, यानी आपकी कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं है, बस सीधा बैंक ने आपका सिविल स्कोर देख के और आप पे ट्रस्ट करके आपको लोन दे दिया। तो ऐसे में अगर कोई एक ऐसा कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन बैंकों से ले रहा है, लगातार अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, तब भी सिविल स्कोर धीरे धीरे इंपैक्ट होता है। यानी एक मिक्सचर सा आपको लेने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, काफी लोग क्या करते हैं, देखो जब किसी को मान लो लेट से कि घर बनाना है, ठीक है, घर बनाने के लिए उसको पता है कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट ना 50,00,000 आएगी, तो उसको पता है कि मेरे पास 30,00,000 रुपए, बहुत सारे केसेस में होता है बहुत सारे कस्टमर्स के साथ, उसको पता है कि मेरे पास 30,00,000 रुपए ना एक तरह से ऐसा है कि मैं अरेंज कर ही लूँगा फैमिली के अंदर से। मुझे कितने पैसे चाहिए, 20,00,000 रुपए। अब ये कस्टमर सोचता है यार अगर होम लोन के लिए अप्लाई किया ना तो बहुत लंबा प्रोसेस है कि यार ये डॉक्यूमेंट, घर के डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री, 13 साल की प्रॉपर्टी चेन, एक लंबा प्रोसेस है। तो वो सोचता है क्यों ना 20,00,000 रुपए का मैं पर्सनल लोन ही अप्लाई कर लूँ। थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो ज़्यादा आएगा, लेकिन इंस्टेंटली एक हफ्ते के अंदर मेरे पास 20,00,000 रुपए आ जाएंगे। तो ऐसे केस में इस कस्टमर ने क्या गलती की, जब ये सिक्योर्ड लोन ले सकता था होम लोन, तो इसने कौन सा लोन ले लिया, अनसिक्योर्ड लोन ले लिया। अब अनसिक्योर्ड लोन 20,00,000 रुपए का उठा लिया, तो ऐसे केस में एक लोन बढ़ गया अनसिक्योर्ड के नाम से इसके अकाउंट में, यानी एक अनसिक्योर्ड लोन इसके पास शुरू हो गया। सिबिल स्कोर थोड़ा सा डाउन तो जाएगा, हाँ ठीक है टाइम पर पैसा भरेगा तो सिबिल स्कोर इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन लगातार अगर ये अनसिक्योर्ड लोन आगे और भी लेते हैं, मान लो क्रेडिट कार्ड भी ले ही रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो दो अनसिक्योर्ड लोन हो गए, तो ऐसे में फिर सिबिल स्कोर इंपैक्ट होता है। तीसरी चीज, जो आप लोन लेते हो उसका टेन्योर भी डिसाइड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कितना रहेगा। ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन लोगे तो सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है, लेकिन अगर छोटे टाइम के लिए लोगे, 1 साल के लिए ले लिया, 6 महीने के लिए ले लिया, तो ऐसे केस में फिर सिबिल स्कोर डाउन जाता है। अब इसके बाद एक बार हम ये डिस्कस करते हैं कि मान लो कोई एक कस्टमर था जिसने बैंक से लोन लिया, अब हो सकता है किसी भी मजबूरी की वजह से ये कस्टमर बैंक का पैसा नहीं रीपे कर पाए, यानी यहाँ पर क्या हुआ, लोन का डिफॉल्ट हो गया। तो जब भी कोई लोन डिफॉल्ट होता है ना, तो बैंक आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं सेटलमेंट का, कि ठीक है आपने 5,00,000 रुपए का लोन डिफॉल्ट कर दिया, हम समझ रहे हैं कि आपकी मजबूरी थी, तो आप ऐसा करो एक सेटलमेंट कर लेते हैं। अब ये सेटलमेंट कहीं पे भी हो सकती है, हो सकता है बैंक कहे कि आप मुझे 2,00,000 दे दो, अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, हो सकता है बैंक कहे 3,00,000 दे दो। तो एक बीच में बैंक और कस्टमर के बीच की सेटलमेंट की बात है, क्योंकि पहले क्या होता है जब भी कोई लोन डिफॉल्ट होता है ना, तो बैंक सबसे पहले कस्टमर से भी बात नहीं करता, कस्टमर पैसा नहीं भर रहा, बैंक उठाएगा और एक केस कोर्ट में डाल देगा। ये जो सेटलमेंट होती है इसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। ये बैंक आपको खुद ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोर्ट में डालेगा बैंक तभी तो कस्टमर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर बैंक कोई केस ही बना के कोर्ट में नहीं डालेगा तो कस्टमर तो यही कहेगा कि ठीक है मैं पैसा ही नहीं देता। तो यही काम बैंक क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोई भी अगर मान लो लोन डिफॉल्ट होता है, एनपीए होते, बैंक क्या करते हैं केस बना के कोर्ट में फाइल कर देगा। वहाँ कोर्ट से एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कस्टमर के ऊपर, और फिर कस्टमर को ये बोलते हैं कि ठीक है आप क्या कोर्ट में जाओगे, हम क्या करते हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो ये बैंक खुद ही आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है सेटलमेंट का। अगर आप जनरली बैंकिंग में थोड़े बहुत भी अवेयर हो गए तो सबको पता ही होता है कि ठीक है ये सेटलमेंट होती है। तो एक जब सेटलमेंट हो जाती है कि ठीक है चलो आधा पैसा देके बैंक मेरे को परेशान करना तो एटलीस्ट बंद कर देगा, ठीक है मैं पैसा भी नहीं दे पाया, डिफॉल्ट भी मैंने किया, गलती भी मेरी, बींग अ कस्टमर यही होता है कि कस्टमर की गलती है, बैंक की क्या गलती है, बैंक ने तो पैसा दे ही दिया कस्टमर को। अब यहाँ कस्टमर जब पैसा नहीं दे पा रहा, तो जब सेटलमेंट हो जाती है आधे अमाउंट में, तो
अकाउंट तो क्लोज हो जाता है, यानी लोन अकाउंट जो चल रहा था वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बैंक आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन जब सेटलमेंट होती है तब आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। चाहे देखो अगर 5 लाख का लोन है ना, चलो मैं आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन की बात बताता हूँ। मान लो आपने 5 लाख का बैंक से लोन लिया, राइट, अगर आप बैंक को ये बोलते हो ना कि मैं आपको 4,99,999 रुपये दे रहा हूँ और आपने 1 रुपया नहीं दिया ना, तो वो 1 रुपया भी आपका सिविल स्कोर खराब कर देगा। जब तक आप बैंक से NOC नहीं ले लेते ना अपने लोन की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, 10 रुपये का भी लोन कम भरा ना और ये सोच रहे हो कि ठीक है 10 रुपये कम भर दिए फिर क्या फर्क पड़ता है, वो सिविल स्कोर खराब कर देगा। जब सेटलमेंट होती है ना, तो आपको चलो ये भी बता देता हूँ, बैंक वाले ये कहेंगे आपको सेटलमेंट ज़्यादा अमाउंट में करने के लिए, ठीक है, कस्टमर को कि आप ना 5 लाख का लोन है आप 4 लाख मेरे को भर दो, आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर सेटलमेंट हो रही है तो सिविल स्कोर तो खराब है ही है, ये भूल जाओ कि सेटलमेंट के केस में आपका सिविल स्कोर ठीक रहेगा, ठीक है। सेटलमेंट बस एक सेटलमेंट ही है कि बैंक आज के बाद अपना पैसा आपसे रिकवर नहीं करेगा, लेकिन सिविल स्कोर खराब होगा। अब सवाल ये आता है कि चलो इस सिविल स्कोर को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन ये है। पहली चीज़ तो ये मत सोचना कि 6 महीने में सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 साल लगने वाले। थोड़े टाइम तो रुक ही जाओ, यानी 1 साल 2 साल तो कोई भी लोन के लिए आप अप्लाई मत करो, धीरे धीरे करके। पहले देखो क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन तो आप भूल जाओ कि कोई आपको फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड देगा या कोई आपको फ्यूचर में पर्सनल लोन देगा, कोई देगा तो सिक्योर्ड लोन ही देगा, और सिक्योर्ड लोन में भी कोई आपको होम लोन देने नहीं वाला और कोई कार लोन देने नहीं वाला। सिक्योर्ड लोन में आपको बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, गोल्ड लोन मिल जाएगा, क्योंकि आप सोना बैंक के पास गिरवी रख रहे हो, बैंक को पता है कि बहुत आसानी के साथ बिकने वाला ये प्रोडक्ट है, तो गोल्ड लोन ईजिली मिल जाता है। और गोल्ड लोन एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिपोर्ट बैंक सिविल के पास भेजता है, ठीक है जी। तो आपको जब भी कभी लोन चाहिए तो गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करो, गोल्ड लोन बैंक से लो। गोल्ड लोन आपको बेसिकली 3 महीने 6 महीने या 1 साल के लिए मिलता है और इंटरेस्ट इकट्ठा ही भरना होता है जब उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। गोल्ड लोन के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करो, थोड़ा गोल्ड लोन लो सब्र के साथ एकदम, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं होना कि अब ये गोल्ड लोन ले लिया चलो फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करो, गोल्ड लोन कंप्लीट होने दो, 1-2 बार अप्लाई करो, 2 बार ले लो गोल्ड लोन, उसके बाद आपको कभी भी बैंक्स को अप्रोच नहीं करना। अप्रोच किसको करना है, NBFCs को। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एक रिसेंटली मेरे कोई नॉन है, उनको मैंने खुद बजाज EMI कार्ड बनवा के दिया। ये NBFC, मैं नहीं बोलता बजाज जाओ, ना ही मेरा कुछ उनसे वो है कि मैं कोई पेड वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कोई भी NBFC उठा लो, मैं नहीं कहता बजाज को, NBFC लो, उनके जो ये, जैसे बजाज का मैंने इसलिए एग्जांपल लिया कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको नॉर्मली मार्केट्स में भी मिल जाएगा कि ये जो है आपको वो जीरो कॉस्ट EMI जो कार्ड्स होते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो जीरो कॉस्ट EMI कार्ड होते हैं ना, ये आप बनवाओ बजाज जो है वहाँ से, बेसिकली NBFC, ये इजीली बन जाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि बजाज बना देगा आपका कार्ड। ये भी सिविल को रिपोर्ट भेजते हैं, तो इसमें ध्यान से, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर NBFC के पास जा रहे हो ना, तो जो डेट है ना, अगर ये बोल रहे हैं ना कि 1 जनवरी को पैसा दो, तो सच बता रहा हूँ 25 दिसंबर को ही पैसा जमा करा देना, नहीं तो इंटरेस्ट के नाम पे इतने इंटरेस्ट लगाएंगे ना कि फिर कहीं ये वाला लोन ना डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल बच के लो, मैं तो अवॉइड ही करता हूँ कि NBFC से लोन ना ही लो। तो लेकिन अगर ले रहे हो ठीक है, लोन मिल रहा है, इजिली मिल जाता है, बस सिविल स्कोर ठीक करने के लिए हम ले रहे हैं, अदरवाइज हमेशा बैंक्स को ही आप अप्रोच करो, ठीक है जी। अब यहाँ पे NBFCs को अप्रोच करो, उसके बाद टाइम के साथ साथ फिर धीरे धीरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के पास आपको जाना है। जब हम 2-3-4 साल के बाद जब हम सोचेंगे ना कि क्रेडिट कार्ड अब अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने NBFCs के जो जीरो वाले EMI कार्ड हैं ये यूज़ कर लिए, अब हम जाएंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास, जैसे आज की डेट में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, काफ़ी अच्छा बैंक है, इसका अकाउंट ओपनिंग का भी वीडियो बनाया हुआ है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग है। अच्छा, यहां से जीरो बैलेंस ये याद आया कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, तो आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस, FI मनी, जुपिटर मनी, ये दोनों भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन अवेल करता है। तो ठीक है, ये पांचों के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक है जीरो बैलेंस के, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इन केस अगर किसी भी व्यूअर को ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो इजीली इन लिंक्स पे क्लिक करके वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्रोच करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जैसे कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वहां पर
हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, थोड़ा टाइम हमें उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है, फिर धीरे धीरे अपने सिबिल स्कोर को चेक करना है। रेगुलरली सिबिल स्कोर भी आप चेक करना, और बहुत ज़्यादा सिबिल स्कोर मत चेक करना, क्योंकि एक्सेस में सिबिल स्कोर चेक करने से भी आपका सिबिल स्कोर डाउन जाता है। यही प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा बिल्कुल मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर लोन ही डिफॉल्ट आपने 2-3 करोड़ का किया है, फिर तो ये प्रोसेस भी चाहे ना फॉलो करना। कोई छोटा मोटा लोन डिफॉल्ट है उस केस में तो सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, मान लो 5-10 लाख का है हो जाएगा, लेकिन अब डिफॉल्ट अगर 3-4 करोड़ का है तो ये प्रोसेस भी भाई मत ही फॉलो करना, क्योंकि फिर इससे भी कुछ नहीं होने वाला। और ऑनेस्टली सिर्फ यही प्रोसेस है, यही एक अप्रोच है जो आपका सिविल स्कोर ठीक कर सकती है। बाकी जितने भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका सिविल स्कोर ठीक है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ में कुछ भी करना सिबिल स्कोर अपना खराब मत होने देना, क्योंकि एक बार आपको ऐसा लगेगा कि यार, मान लो कोई भी क्या होता है ना, काफ़ी बार बैंक के साथ कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट होता है और कस्टमर क्या बोलते हैं कि मैं लोन नहीं भरता, जो करना है कर लो, कुछ नहीं बैंक का जा रहा। बैंक 1 लाख रुपए अगर डिफॉल्ट भी कर दोगे ना तो बैंक का कुछ नहीं जा रहा, लेकिन लाइफ टाइम आपके लाइफ टाइम पे एक थप्पा लग जाएगा। क्योंकि जो एक अर्ली स्टेज होती है ना 21, 22, 25, 23, 24 साल की, यहाँ पे सिबिल स्कोर की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। लेकिन जब आप धीरे धीरे लाइफ में ग्रो करते हो, कभी खुद का बिजनेस करना पड़ा, जब आपको उस टाइम पर फंडिंग की जरूरत पड़ती है ना, तो बैंक्स के अलावा कहीं से फंडिंग नहीं मिलती, और सिबिल स्कोर अगर खराब हुआ ना तो इतनी अपॉर्चुनिटीज मिस होती है ना लाइफ में, क्योंकि लाइफ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ है, तो अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस मत करना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सिविल स्कोर पर हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। इनके स्टिल अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।